नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वसा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। प्रत्येक क्वेश्चन का दो बार रिविजन करवाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, ये वसा की दूसरी क्लास है। पार्ट वन इसका दोस्तों कल कंप्लीट हो गया था। पार्ट वन में हमने जाना 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, वसा किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है, वसा का रासायनिक नाम क्या है, दोस्तों प्रतिदिन हमें कितनी वसा की आवश्यकता होती है। एक ये क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्न में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। आपके ऑप्शंस थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर था वो था दोस्तों वसा। इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में कंप्लीट करवाए, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से वसा में घुलनशील होता है। निम्न में से वसा में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पानी, ऑप्शन नंबर बी है ईथर, ऑप्शन नंबर सी है बेंजीन, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वैसी। तो भैया, यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं कि आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वैसी। कहने का मतलब दोस्तों आपका बी भी सही है और सी भी सही है। दोस्तों, आपकी जो वसा होती है ना, इस वसा को दोस्तों अगर आप जल के साथ मिलाते हो तो दोस्तों ये नहीं घुलती है। मैंने क्या कहा कि अगर आप वसा को जल के साथ मिलाते हो तो दोस्तों ये आपस में घुलती नहीं है। लेकिन दोस्तों ठीक यहां अगर आप वसा को ईथर के साथ मिलाते हो तो दोस्तों वसा ईथर में घुल जाती है। बात क्लियर है? और एग्जांपल देखिए, अगर वसा को आप दोस्तों बेंजीन के साथ मिलाते हो तो दोस्तों ये आपस में घुल जाते हैं। बात क्लियर है? और देखिए दोस्तों, क्लोरोफॉर्म, अगर क्लोरोफॉर्म को आप वसा के साथ मिलाते हो दोस्तों तो ये भी आपस में घुल जाती है। बात क्लियर है? और देखिए दोस्तों, जो एल्कोहल होती है, एल्कोहल को आप वसा के साथ मिलाते हो तो ये भी दोस्तों आपस में घुल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आपकी जो वसा है वो दोस्तों कार्बनिक यौगिकों के साथ घुल जाती है। आपकी जो वसा है वो दोस्तों कार्बनिक यौगिकों के साथ घुल जाती है। दोस्तों, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो दोस्तों ऐसे यौगिक जिनमें दोस्तों कार्बन पाई जाती हो। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से वसा किस में घुलनशील होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वसा कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। इस प्रकार के दोस्तों आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, इन सभी में दोस्तों घुलती है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों जो वसा होती है वो दोस्तों पानी में नहीं घुलती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए पैरासा कमेंट कर दो, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। यह दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वसा के पारगमनीकरण में कौन सा रस सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए जठर रस, ऑप्शन नंबर बी पित्त रस, ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय रस, ऑप्शन नंबर डी आंतीय रस।
तो भैया यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पितरस। दोस्तों आपसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया पितरस का निर्माण कहाँ होता है, पितरस का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों पितरस का निर्माण होता है यकृत में, बात क्लियर है। और दोस्तों ये जमा कहाँ होता है, तो ये दोस्तों पित्ताशय में जाकर के जमा होता है, बात क्लियर है। राजस्थान पुलिस में जो क्वेश्चन आया था आपका वो आपको याद हुआ, राजस्थान पुलिस में क्या क्वेश्चन पूछा था कि पितरस का निर्माण होता है दोस्तों यकृत में, तो निर्माण होता है और पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वसा के पायसीकरण में कौन सा रस सहायक होता है, तो दोस्तों कौन सा रस सहायक होता है, पितरस सहायक होता है। किस तरीके से होता है वो देखिए दोस्तों, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है दोस्तों, वसा का पायसीकरण वह इमल्सीकरण कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण वह इमल्सीकरण कहलाता है। दोस्तों मान लीजिए ये वसा की बड़ी बड़ी बूंदें, इन वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को दोस्तों छोटी छोटी बूंदों के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तन कौन करता है दोस्तों, तो भैया मैं आपको बता दूं वो परिवर्तन करने का कार्य करता है पितरस। इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पितरस। मैंने क्या कहा दोस्तों एक बार और समझिए कि वसा का पायसीकरण निम्न में से कौन सा रस करता है, तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पितरस। किस तरीके से करता है, वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदे होती है दोस्तों उनको पितरस क्या करता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देता है। यहां पर भी दोस्तों डेफिनेशन यही है कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण में इमल्सीकरण कहलाता है। कहने का मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों पितरस। पितरस का निर्माण होता है यकृत में और यह जमा जाकर होता है दोस्तों पित्ताशय में। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से वसा के स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वसा, ऑप्शन नंबर बी है मछली का तेल, ऑप्शन नंबर सी है मूंगफली, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो भैया यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, बात क्लियर है। कहने का मतलब दोस्तों मांस भी वसा का अच्छा स्रोत होता है, मछली का तेल भी वसा का अच्छा स्रोत होता है, मूंगफली भी दोस्तों वसा का अच्छा स्रोत होती है, इसके अलावा दोस्तों ऑयल ये भी दोस्तों वसा का अच्छा स्रोत होता है, घी घी भी दोस्तों वसा का अच्छा स्रोत होता है, एक आता है दोस्तों डालडा, डालडा भी दोस्तों वसा का अच्छा स्रोत होता है, चीज मक्खन ये सभी दोस्तों वसा के अच्छे स्रोत है, ये सभी वसा के अच्छे स्रोत है। दोस्तों वैसे आप कहोगे कि सर वसा के स्रोत से कोई क्वेश्चन आता है क्या, जी हाँ दोस्तों डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है, प्रोटीन के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत और वसा के स्रोत तीनों को मिलाकर के किसी एक का स्रोत पूछ लेता है, तब दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए दोस्तों हमारा मकसद है आपको बिल्कुल छोटी से छोटी चीज बताए और दोस्तों छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज बताए, मेरा दायित्व बनता था, मैंने आपको बता दिया, आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन के,
ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो यहां पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब दोस्तों मेरी एक कहानी सुन लेना, बहुत छोटी सी कहानी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं विटामिन के बारे में दोस्तों सिद्धांत दिया था होपकिंस ने। किसने? होपकिंस ने। और दोस्तों खोज भी इसी ने ही की थी। खोज और सिद्धांत दोस्तों दोनों इन्होंने ही दिए थे। बात क्लियर है? होपकिंस ने जब सिद्धांत दिया तो दोस्तों उन्होंने एक चीज कही कि विटामिन को दोस्तों दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों विटामिन को? दो भागों में बांटा गया। एक भाग था दोस्तों वसा में घुलनशील और दूसरा भाग था दोस्तों जल में घुलनशील। बात क्लियर है? वसा में घुलनशील जो विटामिन थे दोस्तों वो थे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। बात क्लियर है? जल में घुलनशील विटामिन कौन थे? विटामिन बी और दोस्तों बी के टाइप और विटामिन सी। बात क्लियर है? तो दोस्तों मैंने आपको ऑप्शन दिया है विटामिन के, विटामिन ई और डी। साथ ही साथ में दोस्तों आपको ध्यान रखना है विटामिन ए भी वसा में घुलनशील होता है। और ये सभी दोस्तों विटामिन आपके यकृत जो होता है, जो लीवर होता है उसमें उपस्थित होते हैं, क्योंकि यकृत में क्या होता है दोस्तों वसीय ऊतक पाए जाते हैं। वसीय ऊतक के बारे में कहूं दोस्तों तो इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ये क्या करते हैं दोस्तों? वसीय ऊतक वसा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। इनका क्या कार्य है दोस्तों? वसा को स्टोर करना। अगर दोस्तों ये वसा को स्टोर करेंगे तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो भी तो स्टोर होंगे लीवर में। तो दोस्तों ये था आपके क्वेश्चन की कहानी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो भैया यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाइपेज एंजाइम होता है दोस्तों, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है तो दोस्तों ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। बात क्लियर है? एमाइलेज जो एंजाइम होता है दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि भैया हमारे शरीर में वसा का पाचन किस तरीके से होता है। मान लीजिए आपने खाया घी, तेल, डालडा, मांस, ये सभी, इन सबसे दोस्तों आपको क्या मिलती है? वसा मिलती है। बात क्लियर है? वसा को दोस्तों जो पित्तरस होता है, दोस्तों पित्तरस का निर्माण होता है लीवर में, ये किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों? वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। फिर दोस्तों वसीय अम्ल को जो लाइपेज एंजाइम होता है, जो लाइपेज एंजाइम होता है, ये लाइपेज एंजाइम दोस्तों किस में कन्वर्ट कर देता है? ये दोस्तों ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों? ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ग्लिसरॉल दोस्तों वसा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। कहने का मतलब ग्लिसरॉल के बाद में इसका पाचन नहीं होता। फिर दोस्तों छोटे आंत के इलियम भाग द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है। फिर दोस्तों ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास भेज दिया जाता है और कोशिका इससे दोस्तों एनर्जी बना लेती है फाइनली। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों वसा का पाचन होता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नए आए
रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।